हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं इलेक्शन सीन पर ऐसे आर्टिकल। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले दिखान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बना देखिए कि वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना है वो देखेंगे। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया भारत इज है ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस आर एसेंशियल। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में इलेक्शंस आर होते हैं एसेंशियल, जरूरी। एक लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन बहुत जरूरी होते हैं। एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट आफ्टर द एज ऑफ 18। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक हैज रखता है राइट, अधिकार टू वोट, वोट डालने का, आफ्टर बाद में द एज, उम्र के बाद में, ऑफ 18, 18 वर्ष की। 18 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्येक नागरिक वोट डालने का अधिकार रखता है। आगे देखेंगे। द गवर्नमेंट इज रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। द गवर्नमेंट, सरकार इज रन चलती है बाई के द्वारा, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, ऑफ द पीपल, जनता के। सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है। सो इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। सो इसलिए इलेक्शंस आर हेल्ड कराए जाते हैं आफ्टर बाद में, एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 साल के बाद। इसलिए प्रत्येक 5 साल के बाद इलेक्शंस कराए जाते हैं। द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर वेरियस बॉडीज सच एज स्टेट असेंबली, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल बोर्ड, ETC। द इलेक्शंस आर हेल्ड कराए जाते हैं फॉर के लिए, वेरियस बॉडीज, विभिन्न निकायों के लिए, सच एज, जैसे कि स्टेट असेंबलीज, राज्य की विधानसभाओं के लिए कराए जाते हैं। और किसके लिए कराए जाते हैं? कॉरपोरेशंस, नगर निगम के लिए कराए जाते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड और नगर पालिका बोर्ड के लिए कराए जाते हैं, ETC इत्यादि। आगे देखेंगे। इलेक्शन इन माई सिटी। इलेक्शन इन माई सिटी, मेरे शहर में इलेक्शन। इसमें देखेंगे, लास्ट ईयर इलेक्शंस वर हेल्ड इन माई सिटी फॉर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। लास्ट ईयर, पिछले साल इलेक्शंस वर हेल्ड हुए थे इन माई सिटी, मेरे शहर में, फॉर के लिए, इलेक्टिंग, चुनने के लिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, टू के लिए, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका परिषद के लिए, ऑफ दिल्ली के। आगे देखेंगे। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज सच एज द कांग्रेस, द बीजेपी, द जनता दल, ETC पुट अप दियर कैंडिडेट्स। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने सच एज, जैसे कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने और जनता दल ने, ETC इत्यादि ने, पुट अप उतारे दियर कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवार। आगे देखेंगे। बिफोर द डेफिनेट डेट ऑफ वोटिंग दीज कैंडिडेट्स वर मूविंग होम टू होम। बिफोर, पहले, द डेफिनेट डेट के निश्चित होने से पहले, ऑफ वोटिंग की डेट निश्चित होने से पहले, दीज कैंडिडेट्स, ये उम्मीदवार, वर मूविंग, गए, होम टू होम, घर घर, प्रत्येक के घर घर गए। दे हैड दियर सपोर्टर विद हिम। दे, वे, हैड, रखते थे, दियर सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को, विद हिम, अपने साथ, या उनके साथ उनके सपोर्टर भी जाते थे। दे वर कंसल्टिंग द वोटर्स पर्सनली। दे, वे, वर कंसल्टिंग, मिले, द वोटर्स, वोटर्स से, पर्सनली, वे वोटर्स से पर्सनली मिले। बिग प्रोमिसेस वर मेकिंग बाय देम टू कन्विंसिंग द वोटर्स। बिग प्रोमिसेस, बड़े बड़े वादे, वर मेकिंग किए गए बाय देम, उनके द्वारा, किन के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा, टू कन्विंस, कन्विंसिंग करने के लिए, द वोटर्स, वोटर्स को कन्विंस करने के लिए, उम्मीदवारों के द्वारा बड़े बड़े वादे भी किए गए। आगे देखेंगे। पोलिंग सेंटर्स, इसमें देखेंगे, देयर वर मैनी पोलिंग सेंटर्स थ्रू आउट द एरिया। देयर वर, थे, मैनी पोलिंग सेंटर, बहुत से पोलिंग सेंटर, थ्रू आउट द एरिया, पूरे क्षेत्र में बहुत सारे पोलिंग सेंटर्स थे। माई कॉलेज वाज आल्सो वन ऑफ द पोलिंग सेंटर्स। माई कॉलेज, मेरा कॉलेज भी, वाज था, आल्सो भी, वन, एक, ऑफ द पोलिंग सेंटर्स में से एक। द कैंडिडेट्स हैज पिच्ड दियर टेंट्स आउटसाइड माई कॉलेज। द कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों ने, हैड पिच्ड, गाढ़े, दियर टेंट, अपने टेंट, आउटसाइड, बाहर की तरफ, माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के। दियर वर्कर्स वर सिटिंग देयर। दियर वर्कर्स, उनके कर्मचारी, वर सिटिंग, बैठे थे, देयर, वहां पर, उम्मीदवारों के कर्मचारी भी वहां पर बैठे थे। दे हैड द वोटर्स लिस्ट। दे, वे, हैड, रखते थे, द वोटर्स, वोटर्स की लिस्ट। दे वर गिविंग द स्लिप्स टू वोटर। दे, वे, कौन, उम्मीदवारों के कर्मचारी, वर गिविंग, दे रहे थे, द स्लिप्स टू वोटर्स, वोटर्स को। द एटमोस्फियर वाज साइलेंट। द एटमोस्फियर, वातावरण, वाज था, साइलेंट, शांत। आगे देखेंगे।
आई कास्ट माई वोट, मैंने अपना वोट डाला। इसमें देखेंगे आई हैड रीच्ड द पोलिंग बूथ एट 8 o'clock, आई हैड रीच्ड, मैं पहुंच गई एट पर, पोलिंग बूथ पर एट पर, 8 o'clock 8 बजे, मैं पोलिंग बूथ पर 8 बजे पहुंच गई। एन एजेंट गेव मी ए चिट, एन एजेंट, एक एजेंट ने गेव दी मी मुझको ए चिट, एक चिट, दिस चिट शोज माई नेम एंड वोटर नंबर, इस चिट पर मेरा नाम और वोटर नंबर लिखा हुआ था। आई एंटर्ड द रूम एंड हैंडेड ओवर द चिट टू द फर्स्ट मैन, आई एंटर्ड, मैंने प्रवेश किया द रूम, रूम में, एंड और हैंडेड ओवर द चिट, और अपनी चिट पकड़ा दी टू द फर्स्ट मैन, प्रथम व्यक्ति को, जो वहां पर लोग बैठे थे उनमें से पहले व्यक्ति को मैंने वो चिट पकड़ा दी। ही टिक्ड माई नेम, ही उसने टिक्ड टिक किया माई नेम मेरा नाम। द सेकेंड मैन पुट ए ब्लैक मार्क ऑन माई फिंगर, द सेकेंड मैन, दूसरे व्यक्ति ने, जो वहां पर लोग बैठे थे उसमें से दूसरे व्यक्ति ने पुट लगाया ए ब्लैक मार्क, एक ब्लैक मार्क ऑन माई फिंगर, मेरी उंगली पर। ही अलोड मी टू वोट, ही उसने, दूसरे व्यक्ति ने अलोड अनुमति दी मुझको टू वोट, वोट डालने की, दूसरे व्यक्ति ने मुझे वोट डालने की अनुमति दी। दस आई कास्ट माई फर्स्ट वोट, दस इस प्रकार आई कास्ट, मैंने डाला माई फर्स्ट वोट, मेरा फर्स्ट वोट। इट वॉज हैप्पी मोमेंट फॉर मी, इट वॉज यह था, हैप्पी मोमेंट एक खुशी का पल, फॉर मी मेरे लिए, यह मेरे लिए खुशी का पल था। कॉन्क्लूजन ऑप्शन हार, इसमें देखेंगे हैंस वोटिंग केम टू एन एंड एट 5 o'clock, हैंस इस प्रकार वोटिंग केम टू एन एंड एक अंत तक आई एट पर 5 o'clock 5 बजे, इस प्रकार वोटिंग लगभग 5 बजे समाप्त हुई। देन द वोटिंग मशीन्स वर सील्ड एंड वर सेंट अंडर पुलिस सिक्योरिटी टू द सेंट्रल होल, देन तब द वोटिंग मशीन्स वर सील्ड, सील कर दी गई, एंड और वर सेंट, और भेज दी गई अंडर पुलिस सिक्योरिटी, पुलिस की सुरक्षा में, टू को द सेंट्रल होल, सेंट्रल होल को, यानी कि जहां पर वोटिंग होती है वहां पर भेज दी गई। इस तरह से ऐसे कंप्लीट होता ही हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।